गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होने के बाद हार्दिक पटेल आज संस्कारी नगरी वडोदरा के दौरे पर हैं। चूंकि ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसीलिए महादेव के दर्शन करने के बाद उन्होंने संजय नगर, जो कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी का प्रोजेक्ट था, वहाँ पर सरकार की वादा खिलाफी के साथ भी उन्होंने हल्ला बोल किया है। हम उन्हीं से जानते हैं। हार्दिक भाई, आखिरकार संजय नगर की जो सिचुएशन है, आप उनके लोगों से भी मिले, तब आने वाले दिनों में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि गुजरात के 6 करोड़ लोगों के लिए लड़ना, पहली बात। दूसरी बात, वडोदरा के अंदर जिस तरह से संजय नगर के जो रहवासी थे, जो झुग्गियों में रहते थे, उनकी झुग्गियाँ तोड़कर वहाँ पर 1700 फ्लैट मतलब मकान बनाने का वादा सरकार ने किया, आज तक अभी तक वहाँ एक भी मकान बना नहीं है। जो परिवार बेचारे अपने घर छोड़ के आज भाड़े के किराए के मकान पे रहते, उनको किराए देना के भी वादा हुआ था कॉरपोरेशन के द्वारा, 3 महीने से किराया भी नहीं मिल रहा। ये पूरे झुग्गियों के लोग, 1700 झुग्गी के लोग पिछले 15-17-20 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। एक भी कॉरपोरेशन का आदमी जाकर उनकी बात नहीं सुन रहा। गुजरात भाजपा सरकार का एक भी मंत्री वहाँ नहीं गया। विजय भाई रूपाणी ने आज तक एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। कहने की बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के लोग जिस तरह से गरीबों को समझने का बात करते हैं, उनको वादा करते हैं, उनकी सरकार ये बोलते हैं, लेकिन वडोदरा के गरीबों का क्या? और मुझे लगता है कि कम से कम इसके अंदर 1200-1300 करोड़ रुपये का स्कैम करने का इन लोगों का प्लान है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन झुग्गियों के जो मालिक है, जो झुपड़पट्टियों के मालिक है, उन पर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की रहम नज़र सरकार नहीं ला रही। कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ेगी। जी हार्दिक भाई, अब कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद एक सबसे बड़ी चुनौती जो उपचुनाव में कांग्रेस का एक अच्छा प्रदर्शन करना, वो भी आपके ऊपर जिम्मेवारी है, उनसे कैसे जूझेंगे? उपचुनाव कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं है और उपचुनाव कोई हमारे लिए चुनौती नहीं है। हम लोग उपचुनाव की 8-8 सीट जीत रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की शंकाएँ ना हमें भी है और बीजेपी को भी मालूम है कि 8-8 सीट कांग्रेस जीत रही है। साथ ही साथ 2022 के चुनाव हम 2/3 बहुमत के साथ जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार हमारी बनेगी और 6 करोड़ गुजरातियों के लिए हम कैसे सुखी और समृद्धि ला पाए, उस प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे। मगर हार्दिक भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर जो लॉयल जो कमिटेड वर्कर होते हैं वो बहुत कम है और गुटबाजी में से भी आपको प्रॉब्लम है, तो क्या आखिरकार उनको कैसे? गुटबाजी भी नहीं और हमारा स्ट्रांग वाटर भी है, तब जाके ही हम 2002 से 2019 तक, आज 20 तक हमारे इतनी ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। हम आत्ममंथन जरूर करेंगे कि कैसे हम लोगों को अपनी तरफ लाए, कैसे महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को अपनी तरफ लाकर उनको कांग्रेस पार्टी में जोड़े, वो हमारे लिए आत्ममंथन का बात है। लेकिन एक बात जरूरी है कि राहुल जी और प्रियंका जी ने मेरे जैसे एक 27 साल के नौजवान पर भरोसा किया है, तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि उस भरोसे पर मैं खड़ा उतरूँ। अब सूरत की बात करें तो जैसे कि कांग्रेस ने भी एक ऐलान किया था कि हम, आपने भी एक रैली की परमिशन मांगी थी, तो आज भी क्या आप उनके स्टैंड पर अड़े हुए? सीआरआर पाटिल की रैली को परमिशन नहीं मिली तो स्वाभाविक तौर पर कि पुलिस मुझे भी नहीं देगी परमिशन, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन एक ही स्टेट में 2 कानून होंगे कि सरकार के लिए सब कुछ फ्री और जनता के लिए सख्त कानून, तो उस बात में मैं नहीं मानूंगा। जो बीजेपी के साथ होगा वही मैं करूंगा और उसके लिए सीआर पाटिल की अगर रैली की अनुमति मिली होती तो मेरी भी 2 तारीख को रैली होती। सीआर पाटिल की 1500 लोगों की रैली होती, मेरी 1.5 लाख लोगों की रैली होती। और इसीलिए जो भी फैसला वहां के कमिश्नर ने लिया है, अच्छा फैसला लिया है। अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जो सरकार की विफलता है उनको अब लोगों तक पहुँचाने के लिए आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कितना एग्रेसिव काम करना चाहती है? एग्रेसिव ही रहेंगे, टेबल पॉलिटिक्स को छोड़कर पब्लिक पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो ये थे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि कांग्रेस जो कि संगठन के मामले में जूझ रही थी, अब इसमें संगठन और युवा शक्ति को साथ लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए एक अच्छा चित्र भी तैयार कर दिया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र राजपूत के साथ वशिष्ठ शुक्ला, गुजरात तक।